एक और करते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम जो अभी बताया कि कैसे हमने इसको डिविजिबल बाय ये प्रूव किया है। देखो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम Proved that 6 power n - 5 n always leaves remainder one when divided by 25. तो हमें ये प्रूव करना है कि ये हमेशा रिमाइंडर वन लीव करेंगे। भाई मैंने क्या बोला, जो पावर में उसको ले लू, 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 + 5। बिल्कुल सही है, 1 + 5 की पावर है। इसको ओपन कर लो, 5c1 × n की पावर 1, 5c2 × n की पावर 2, 5c3 × n की पावर 3 एंड सो। फाइव सी वन की वैल्यू 5, n की पावर 1 की वैल्यू n, 5c2 की वैल्यू 10, 5c2 की वैल्यू, अरे उल्टा लिख दिया, अरे यार सोचो हो क्या, NC1 × 5 की पावर 1, NC2 × 5 की पावर 2, NC3 × 5 की पावर 3 एंड सो। NC1 की वैल्यू n, 5 की पावर 1 5, 5 स्क्वायर सब में से कॉमन आ गया, आगे से यहाँ आ गया NC2, NC3 × 5 एंड सो। 6 की पावर n = 1 + 5 n +5² 25, और उसको हमने क्या मान लिया, लैम्डा कोई मल्टीपल। तो 6 की पावर n - 5 n 25 लैम्डा + 1। अब देखो इधर, दिस इज डिविडेंड, यदि समझना है तो ये है आपका डिवाइजर, ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन, और प्लस रिमाइंडर। सो देयरफॉर 6 की पावर n - 5 n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 25। आया समझ में, बोलिए। 6 की पावर n - 5 n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो ये प्रॉब्लम तो इस तरह की हो जाएगी। σ r = 0 to n 3 की पावर r n c r = 4 की पावर n, ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे समझो, भाई आपको r की वैल्यू 0 से लेकर स्टार्ट करनी है और कहां तक रखनी है,
सवा मैंने जीरो रखा, फिर मैंने वन रखा, फिर मैंने टू रखा और इस तरह चलता गया, कब तक? एन तक। थ्री की पावर जीरो क्या होता है और एन सी जीरो, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, क्या दिक्कत है? एक ही बात है ना। तो ये अभी एक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, प्लस एक्स की पावर हो गया ब्रो, ये इसका प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत? बोलो, बोलिए बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, तो ये आज का काम हुआ। आप जो जो करना चाहता है, वैसे कोर्स में नहीं है लेकिन एक्सरसाइज 8.1 मैथ्स वाले तो कर ही लो, जिनके पास साइंस मैथ्स 8.1 आप कर सकते हो विद एग्जांपल। चलिए बाकी कल कर। थैंक यू सर।